गाइस वेलकम टू माय चैनल किचन मी। तो आज का वीडियो होने वाला है डार्क बैकग्राउंड के बारे में, जिससे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डार्क बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं एंड जितना आपको डार्क शेड चाहिए उतना डार्क कैसे बना सकते हो। तो उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो यस स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले आपको कुछ स्केचेस ऑब्जर्व करने हैं जो मैंने निकाले हैं। तो उसका आपको बैकग्राउंड देखना है कि बैकग्राउंड किसे डार्क किया है एंड आपको जो मीडियम है उसका तो ऑब्जर्व करना है, मतलब चारकोल मीडियम में निकाला है कि ग्राफाइट मीडियम में निकाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर आपको चारकोल और ग्राफाइट में कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरा स्पेशली चारकोल एंड ग्राफाइट का जो वीडियो है वो देख सकते हो, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यह शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने बेसिकली 3 चीजें यूज की है, जैसे कि चारकोल स्टिक और चारकोल पेंसिल और ग्राफाइट पेंसिल। और उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने अपने फिंगर का यूज किया है, देन टिश्यू पेपर का यूज किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डार्क बैकग्राउंड ड्रॉ किया है। सो गाइज फर्स्ट टाइप होता है चारकोल से, तो हम चारकोल से डार्क बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें लगेगा चारकोल स्टिक। अगर आपके पास चारकोल स्टिक नहीं है तो आप कोई भी चारकोल की पेंसिल यूज कर सकते हो, बट इसमें आपको सजेशन रहेगा कि आप डार्क मतलब सॉफ्ट पेंसिल यूज करो, जो कि सबसे डार्क होती है चारकोल में। तो मैं आपको पहले चारकोल स्टिक से बना के दिखाती हूँ। तो इसको आपको जस्ट ऐसे पेपर पे अप्लाई करना है, मतलब आपको जहाँ भी चारकोल लगाना है मतलब बैकग्राउंड में आपको इस तरह से अप्लाई करना है एंड देन आप जस्ट आपका फिंगर यूज करके इसको ब्लेंड कर सकते हो लाइक दिस एंड आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। और इसको लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपको इसको ब्लेंड करने के लिए ईयरबड टिश्यू पेपर का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस पे टिश्यू पेपर का यूज करोगे तो जो चारकोल है उसको टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसके लिए आपको टिश्यू पेपर का यूज एंड ईयरबड का यूज नहीं करना है। अगर आपको आपके फिंगर का यूज नहीं करना तो आप उसके लिए ऑप्शन है कि आप जो मतलब मेकअप ब्लेंडर होता है तो उसका यूज आप कर सकते हो। तो यस आपको जस्ट ऐसे अप्लाई करना है एंड आपके फिंगर से जस्ट ब्लेंड करना है। अगर आपको जो चीजें मैं यूज करी हूँ उसको अगर बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। तो अभी बात आती है उनकी जिनके पास चारकोल स्टिक नहीं है, और आपके पास अगर सिर्फ कोई भी पेंसिल है चारकोल पेंसिल तो उससे भी आप निकाल सकते हो। सो यस गाइस आपको इस तरह से जो चारकोल पेंसिल होती है उससे शेड करना है। अभी मेरे पास जो पेंसिल है वो हार्ड पेंसिल है, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सॉफ्ट पेंसिल से करो। तो देखो मुझे अगर हार्ड पेंसिल से शेड करना है तो मुझे लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी पड़ेगी, बट अगर मैंने सॉफ्ट पेंसिल ली तो मेरा एक ही बार में डार्क शेड हो जाएगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हो हार्ड एंड डार्क एंड सॉफ्ट में कितना डिफरेंस है। तो आपको सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करके इसे शेड करना है एंड देन उसको ब्लेंड करना है। ब्रश यूज़ करके आपके पास जो भी ब्रश अवेलेबल होगा उससे आप ब्लेंड कीजिए, और बेस्ट रहेगा कि आप मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन कि हम डार्क बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं एंड सेकंड ऑप्शन आता है ग्राफाइट पेंसिल से। तो अगर आपको ग्राफाइट पेंसिल से डार्क बैकग्राउंड बनाना है तो आपको 10B यूज़ करनी पड़ेगी।
मतलब वो पेंसिल जिसका ग्रेड 10 भी है, तो इससे आप आसानी से डार्क बैकग्राउंड बना सकते हो। तो आपको पूरे बैकग्राउंड में पहले 10 बी से ऐसे शेड कर लेना है एंड देन आपको इसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करना है। टिश्यू पेपर का यूज करना ब्लेंड करने के लिए, उसका रीजन है कि टिश्यू पेपर से अगर आप उसको ब्लेंड करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो स्मूथ लगेगा। सो इससे आपके जो लाइंस होते हैं शेडिंग करते वक्त जो लाइंस आपको दिखते हैं स्केच के बैकग्राउंड में तो नहीं दिखेंगे एंड उससे आपका जो बैकग्राउंड है वो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यस गाइस, ये था हमारा डार्क बैकग्राउंड ग्राफाइट से। एंड अगर आपको ये लाइट बनाना है तो आपको कम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी HB की पेंसिल मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको आपको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको शेड करना है एंड देन इसको सेम वैसे आपको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ, तो उसके दो रीज़न है कि इससे सॉफ्ट शेडिंग आती है एंड सेकंड रीज़न इज कि जो टिश्यू पेपर होता है तो उससे आप लार्ज एरिया अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप ईयरबड से करो तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड टाइप होता है वो भी मैंने कवर कर दिया है। तो इससे आप अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग डिफरेंट आप इससे बैकग्राउंड बना सकते हो, जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो वैसे आप अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड बना सकते हो। तो मैंने ये बैकग्राउंड चारकोल यूज़ करके ही बनाया है इस तरह से। तो यस, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। सो यस गाइस, ये थे दो टाइप्स। तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके पास मटेरियल नहीं होगा, मतलब अभी जैसे 10B की पेंसिल है तो ये उनके पास नहीं होगी, तो उनके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। तो आपके पास कोई भी अगर सिंपल पेंसिल होगी तो उससे आप लेयर बाय लेयर शेड करके डार्क बैकग्राउंड पा सकते हो। मतलब कैसे, आपको जस्ट एक बार पूरा पेज में शेड करना है, देन दूसरी बार आपको फिर से उसके ऊपर शेड करना है, तो इस तरह से आपको, इस प्रोसेस से आपको डार्क बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो यस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।